नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है बीटा ड्रोन, या जिसे इलेक्ट्रॉन त्वरितर भी कहते हैं। इससे पहले के लेक्चर के अंदर हमने साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ा, सिंक्रो साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ा, और ये देखा कि किस प्रकार से वहां पर हम आवेशित कणों को त्वरित करवाते हैं। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी बीएड फोर्थ ईयर का लेक्चर नंबर है 10, और जनरल बीएससी थर्ड ईयर के अंदर जो दूसरा पेपर आपका सॉलिड स्टेट और न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके अंदर तीसरी यूनिट के अंदर ये टॉपिक लगता है, एक्सीलेटर के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में हम इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे। इसके अंदर हम जानेंगे कि बीटाट्रॉन क्या होता है, कौन से सिद्धांत पे काम करता है, इसका जो संरचना है वो क्या है, इसका प्रतिबंध है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसका प्रतिबंध। और दूसरे पार्ट के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है उसको ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। बीटाट्रॉन या इलेक्ट्रॉन त्वरितर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ाने के लिए बीटाट्रॉन का उपयोग किया जाता है। उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन के द्वारा गामा किरणें प्राप्त की जा सकती हैं। देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बहुत ज़्यादा चाहिए आपको, और वो ऊर्जा जैसे पहले आवेशित कणों को त्वरित करने वाले युक्तियाँ हमने पढ़ी है, साइक्लोट्रॉन है या सिंक्रो साइक्लोट्रॉन है, उसके द्वारा हम ज़्यादा उसको त्वरित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब उनका वेग ज़्यादा होता है आवेशित कणों का, तो क्या होता है कि आइंस्टीन के अपेक्षिकता सिद्धांत से द्रव्यमान है वो चेंज होने लगता है, उस वजह से हम उसको ज़्यादा त्वरित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीटाट्रॉन के द्वारा हमें एक ऐसा प्रतिबंध मिलेगा जिसके लिए क्या होगा, जो आपका प्रतिबंध है उस प्रतिबंध में जो एनर्जी है वो एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करती है इस प्रतिबंध के अकॉर्डिंग, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, और इसको हम ज़्यादा एनर्जी से क्या कर सकते हैं, त्वरित कर सकते हैं। उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन के द्वारा गामा किरणें प्राप्त की जा सकती हैं। इस अवस्था में बीटाट्रॉन के द्वारा लगभग 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन हम प्राप्त कर सकते हैं, या इतनी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन हम प्राप्त कर सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पर। इसका सिद्धांत क्या है? ये जो बीटाट्रॉन है ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे आधारित है, जिसके बारे में आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था और 12वीं क्लास के अंदर भी आप पढ़ के आए हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के तुल्य होती है, ये आपका फैराडे का नियम है। यदि एक बंद पात्र में फ्लक्स को परिवर्तित किया जाए तो वक्राकार बंद पथ की प्रेरित विद्युत बल रेखाएं उसके अंदर उत्पन्न होती हैं, जिसके अनुदिश इलेक्ट्रॉन के गति करने पर स्पर्श रेखीय त्वरण उसको प्राप्त होता है, जो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बढ़ाता है। यानी यहाँ पर मुख्य बात आपको याद रखनी है, सिद्धांत कौन से सिद्धांत पे काम करता है, बीटाट्रॉन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे। इसके अंदर क्या होगा, जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है वो विद्युत वाहक बल के तुल्य होता है, और एक बंद पात्र की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये जो उपकरण है इसको एक बंद पात्र में रखा जाता है, वहाँ पर फ्लक्स को अगर हम परिवर्तित करते हैं तो वहाँ पर क्या होती हैं, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहें, विद्युत बल रेखाएं कहें, वो जब प्रेरित होंगी तो वो बंद वक्राकार पथ के रूप में प्रेरित होंगी वहां पे, और उसके अनुदिश से वो इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी को वो ग्रहण करेगा, क्योंकि उसको स्पर्श रेखीय त्वरण प्राप्त होगा। अब हमें ये देखना है कि क्या ये स्पर्श रेखीय त्वरण वो पूरे चक्कर में प्राप्त होगा, आधे चक्कर में प्राप्त होगा, या 1/4 चक्कर में प्राप्त होगा, यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है। संरचना इसके अंदर देख लीजिए आप, संरचना में क्या है, इसमें एक वल्याकार डोनेट, डोनेट का मतलब यहाँ पे टोराइड जैसी आकृति होती है, आकृति का निर्वात कोष्ठ होता है जिसे विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है। इस चुंबक को 50 हर्ट्ज से लेके 200 हर्ट्ज तक की प्रबल एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा द्वारा परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र हम प्राप्त करते हैं। यहाँ पे परिवर्तित भी लिख सकते हैं या प्रत्यावर्ती भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है लगातार चेंज होने वाला। तो इतनी फ्रिक्वेंसी तक की जो प्रबल एसी है, करंट है, उसको प्रवाहित करके हमें यहाँ से क्या प्राप्त करना होता है, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना होता है। परिवर्तित यानी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र डोनेट के तल के क्या होता है, लंबवत होता है, यानी जो डोनेट आपका है टोराइड जो आकृति है उसके बिल्कुल
तल के लंबवत होगा तथा इसका मान डोनेट के केंद्रीय भाग जिसे ओ कहा गया है पर बहुत अधिक होता है। जब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ओ कहां पर है। प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र बीटा ट्रोन में दो कार्य करता है, ये पॉइंट आपको याद रखने, और कुछ लिखे ना लिखे लेकिन ये दो पॉइंट आपको लिखने ही होंगे संरचना के अंदर। पहला देखिए क्या है, EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा गतिशील इलेक्ट्रॉन पे क्या लगता है, स्पर्श रेखीय त्वरण का कार्य करता है कौन, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन को स्थायी वृत्ताकार पथ में घूर्णन करवाने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो भी कहां से प्राप्त होता है, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्राप्त होता है। ये इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पर पटलित स्टील से बने चुंबकीय ध्रुव हैं और इनके मध्य यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्वात पंप के अंदर इसको रखा जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन गन है यहाँ पर, जिससे क्या होगा इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर अंतःक्षेपित करवाया जाएगा। और ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है ये है एक टोराइड जिसे डोनेट यहाँ पे कहा गया है और इसको एक निर्वात कक्ष में रखा जाता है। और यहाँ से आप देखें ये जो ओ पॉइंट है ये क्या है, इसका बिल्कुल सेंटर है। यहाँ पर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। और यहाँ पर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो क्या करेगा, घूर्णन करेगा, अभिकेंद्रीय बल इसको प्राप्त होगा, वर्ताकार पथ की त्रिज्या यहाँ पे आएगी और इसके अकॉर्डिंग ही हम इसको सोल्व करेंगे। इसके बाद आप देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीटा ट्रोन प्रतिबंध। यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि बीटा ट्रोन का प्रतिबंध क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुख्य बात यहीं पे है। तो इससे पहले हमने ये देखा कि बीटा ट्रोन क्या है, कौन से सिद्धांत पे काम करता है, उसका संरचना क्या है, डायग्राम हमने देख लिया। अब यहाँ पे आगे जो पॉइंट आया है बीटा ट्रोन प्रतिबंध, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप लिख के आते हैं पेपर के अंदर अच्छे तरीके से तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर यहाँ पे प्राप्त होंगे, क्योंकि मुख्य बात यही है और यहीं से कंपटीशन के अंदर भी प्रश्न उठाए जाते हैं। जब प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य से बढ़ना शुरू करती है, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस प्रकार से शून्य से बढ़ना शुरू करती है, तब डोनेट में इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश करवाते हैं। और जब 1/4 यानी 1/4 चक्कर में ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी, देखो 1/4 का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे हमने पहले कहा था इसके अंदर हम प्रबल एसी को सप्लाई देते हैं चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करने के लिए, यानी जो बल रेखाएं हैं परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र है उसको प्राप्त करने के लिए हम इसमें एसी का यूज करते हैं। और एसी आप जानते हैं किस प्रकार से चलती है, एसी इस प्रकार से चलती है, यानी वो एक साइकिल में चलते हैं, तो आधा चक्कर है वो धनात्मक होता है, आधा चक्कर वो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब T/4 टाइम होगा ना, T/4 तो ये अधिकतम वैल्यू हो जाएगी, फिर उसके बाद ये घटने लग जाएगा। तो बस यही आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ती है T/4 तक, तब तो ये ऊर्जा ग्रहण करता जाएगा, आगे ऊर्जा को घटाने लग जाता है। तो पथ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, -d∅/dt होगा, ये आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ चुके हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल क्या हो जाएगा, F=-E -d∅/dt हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखें कि माइनस और माइनस हो जाएंगे, प्लस F=, क्या हो जाएगा, E d∅/dt, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे जो बल लग रहा है वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है, उसको जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, यानी -d∅/dt से, और वो किस पे काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे। तो क्या आ गया, F=-E -d∅/dt, ये F की वैल्यू आ गई। यह बल इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि करता है, ये जो बल है E d∅/dt ये इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में क्या करता है, वृद्धि करता है। लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र का मान शिखर मान पर पहुंचकर कम होने लगता है, शिखर मान आपको मैंने अभी बताया था T/4 टाइम के अंदर, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पहुंचने के बाद जैसे ही कम होने लगेगा तो इससे इलेक्ट्रॉनों पे क्या लगता है, मंदक बल लगता है, और इसी क्षण इलेक्ट्रॉनों को पथ से हटा देते हैं, यानी जिस टाइम इनकी एनर्जी वापस से कम होने लग जाएगी उस टाइम से उस पथ से हटा देते हैं जिस पथ पे ये क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, या T/4 टाइम तक जहाँ तक ये पहुँचा था, अर्थात ऊर्जा T/4 समय में ही उसकी बढ़ेगी। और यहाँ पर ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इस प्रकार से बीटा ट्रोन में त्वरण का जो चक्कर है वो यहाँ पर है। तो जब यहाँ से जो प्रत्यावर्ती आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी वैल्यू जो है बढ़ना स्टार्ट होती है शून्य से, तब हम इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे प्रवेश करवाते हैं। और जब ये अधिकतम मान यानी T/4 टाइम के अंदर अधिकतम पे पहुँच जाता है तब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा देते हैं,
उसके बाद आगे की जब दोबारा से प्रोसेस होती है तब हम वापस से उस पथ पे डाल देते हैं। इस कारण बार बार ये क्या करता है, अधिक से अधिक एनर्जी को ग्रहण करता है। अब ये जो प्रतिबंध है इसका व्यंजक किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा? माना इलेक्ट्रॉनों के स्थायी पथ की त्रिज्या आर नोट, यानी जिस वर्ताकार पथ के अंदर वो घूम रहे हैं, स्थायी जो उनका पथ है उसकी त्रिज्या कितनी है, आर नोट है, और फ्लक्स है फाई। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार क्या होगा, विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। अब ये ई जो है ये प्रति इकाई लंबाई के अंदर है, यानी यहां पर जैसे मान लीजिए वर्ताकार पथ है उसकी त्रिज्या आर नोट है, ठीक है, उसकी त्रिज्या है आर नोट, प्रति इकाई लंबाई के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो ई है, तो टोटल लंबाई कितनी होगी इस पथ की, 2πr, यानी परिधि के बराबर होगी, और यहाँ पर r की जगह क्या है, r नोट है, तो क्या आ जाएगा, 2πr नोट इंटू ई, ठीक है। तो यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रति इकाई लंबाई ई हो तो टोटल परिधि के लिए कितना आ जाएगा, ई इंटू 2πr नोट बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ से मैं ई की वैल्यू ज्ञात कर लेता हूँ, माइनस एक बटे 2πr नोट डी फाई अपॉन डी टी, इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट। फिर आप इलेक्ट्रॉनों पे जो बल लग रहा है उसकी इक्वेशन लिखेंगे, वो क्या है, एफ बराबर माइनस ई ई है, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू है इसके अंदर ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई बटे 2πr नोट डी फाई अपॉन डी टी, समीकरण नंबर आ गई दो। अब फोर्स की एक इक्वेशन तो यहाँ पे आ चुकी है अपने पास, एफ बराबर ई बटे 2πr नोट डी फाई अपॉन डी टी। ऐसी ही एक समीकरण अपने को और ज्ञात करनी है, अभी केंद्रीय बल हम बताएंगे, वहां से मोमेंटम ज्ञात करेंगे, मोमेंटम में न्यूटन का दूसरा नियम लगाएंगे, वहां से फोर्स की इक्वेशन ज्ञात करेंगे, फिर उस समीकरण को और दो नंबर को बराबर रखते ही अपने पास क्या आ जाएगा, प्रतिबंध आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि यदि उस इलेक्ट्रॉन का वेग v हो तो वर्ताकार पथ पर अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, यानी अभिकेंद्रीय बल जो उस वर्ताकार पथ पर घुमाने के लिए आवश्यक है वो क्या होगा। तो यहाँ पर वर्ताकार पथ पर घुमाने के लिए कौन है जिम्मेदार है, वो है क्यू वी बी, यानी कि आपका चुंबकीय बल, क्योंकि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो क्यू की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, ई लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा ई वी बी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर नोट। यहाँ से एक वी है वो एक वी से हो जाएगा क्रॉस, और यहाँ से एम वी के बराबर आ जाएगा ई बी आर नोट, यानी कि मोमेंटम मैंने यहाँ से निकाल दिया। अब ये जो मोमेंटम है आप देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र के साथ समानुपाती है, जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा उस इलेक्ट्रॉन का संवेग है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो समीकरण तीन के बाद हम देखते हैं संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगी। भाई संवेग में परिवर्तन क्या होता है, डीपी अपॉन डीटी होती है, और डीपी अपॉन डीटी यानी पी बराबर एम वी होता है, और एम वी की वैल्यू अभी हमने ज्ञात की है समीकरण तीन में ई आर नोट बी। तो यहां से देखें क्या आ जाएगा, ई आर नोट और डीबी अपॉन डीटी आ जाएगा यहां पर। अब इसके अंदर अपने क्या करना है, ये जो डीपी अपॉन डीटी आ गया संवेग में परिवर्तन, न्यूटन के दूसरे नियम से क्या होता है, ये फोर्स के बराबर होता है, यानी एफ बराबर डीपी अपॉन डीटी, या इसका दूसरा रूप एफ बराबर एम में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आ गई अपनी इसको एफ के बराबर रखेंगे, समीकरण नंबर आ जाएगी चार। अब समीकरण चार भी क्या है, फोर्स के बराबर है, और समीकरण दो भी फोर्स के बराबर थी। समीकरण दो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर है समीकरण दो जो डी फाई अपॉन डी टी के अंदर है, फ्लक्स में परिवर्तन है, और यहाँ से समीकरण चार है वो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर है। अब समीकरण दो और चार को बराबर रखेंगे तो अपने को रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा, ये समीकरण नंबर दो है, ई बटे 2πr नोट डी फाई अपॉन डी टी बराबर ई आर नोट डी बी अपॉन डी टी। ई से ई यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, और 2πr नोट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, 2πr नोट स्क्वेयर डी बी अपॉन डी टी, और बराबर में क्या जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी। यानी यहाँ पर जो फ्लक्स में परिवर्तन है वो इसके सामने द्रव्यमान नहीं है कहीं भी, यानी जो आवेशित कण है उस पर द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसकी एनर्जी हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और ये बेटाट्रॉन का विशेष प्रतिबंध है, जबकि बाकी जो त्वरित हमने पढ़े थे वहाँ पे द्रव्यमान आता है। और यहाँ से आप फ्लक्स भी ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे, फाइव बराबर डायरेक्ट आ जाएगा 2πr नोट स्क्वायर इंटू बी आ जाएगा। तो यहाँ से ये बेटाट्रॉन का प्रतिबंध था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके दूसरे पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, उसका प्रतिबंध क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। धन्यवाद।